हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल टैक में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक किया जाए। दोस्तों, आप सिर्फ 5 मिनट में आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। न्यू प्रोसेस जुलाई 2023 की, दोस्तों ये न्यू प्रोसेस है। दोस्तों, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करना सिखाऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने लैपटॉप पर गूगल ओपन किया हुआ है। दोस्तों, आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम सर्च करेंगे इनकम टैक्स से। मैंने दोस्तों यहाँ पर सर्च किया है इनकम टैक्स, और सबसे ऊपर में देखिए होम लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर में देखिए होम में दोस्तों ई वेरीफाई रिटर्न है, लिंक आधार स्टेटस है। दोस्तों, आप यहां से अपने आधार का लिंक स्टेटस चेक कर सकते हैं कि अपना आधार लिंक है अथवा नहीं। नीचे थर्ड नंबर पे देखिए दोस्तों लिंक आधार है, हमको दोस्तों लिंक आधार करना है। यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं। नेक्स्ट पेज दोस्तों इस प्रकार से ओपन हो जाता है। यहां पर देखिए दोस्तों इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। यहां पर पैन कार्ड नंबर फिल करना है, नीचे आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है वैलिडेट, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, मैं यहां पर पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर फिल कर देता हूं। दोस्तों, ये देखिए मैंने यहां पर पैन कार्ड और आधार नंबर फिल कर दिया है। फिल करने के बाद यहां पर मैं वैलिडेट जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। यहां पर दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, 1000 आपको पैनल पे करना होगा। इसके अलावा लिखा हुआ है कि अदर रिसिप्ट में 500 रखना है और मेजर एट में 0021 रखना है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स है, इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको पेन नंबर फिल करना है, उसके बाद दोबारा से कन्फर्म पेन फिल करना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। कोई भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल कर सकते हो और उस पर दोस्तों ओटीपी आएगी। आपके पास वो मोबाइल नंबर होना चाहिए चालू में। तो दोस्तों आप यहां पर ये सब फिल करें। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर पेन नंबर फिल कर दिया है और मोबाइल नंबर भी फिल कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहां पर कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू पर मैं क्लिक कर देता हूं। क्लिक कर दिया है और दोस्तों यहां पर देखिए जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर एक ओटीपी आएगा। दोस्तों, यहां पर ओटीपी आ चुका है और ओटीपी हम यहां पर फिल कर देंगे। ओटीपी फिल कर दिया है, उसके नीचे लिखा हुआ है दोस्तों कंटिन्यू, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से यह ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल ओटीपी। यहाँ पर दोस्तों नाम के को अक्षर आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर पेन नंबर आपको दिखाई देगा। आप दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप किस में पेमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लिखा हुआ है इनकम टैक्स और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है रीड मोर, इसमें भी देख सकते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट में लिखा हुआ प्रोसीड है, प्रोसीड वाले पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है और यहाँ देखिए दोस्तों आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, 2024-25 सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट में माइनर हेड पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों अदर रिसिप्ट 500, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ है फी फॉर डिले इन लिंकिंग पेन विथ आधार, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का बटन दिया हुआ है, कंटिन्यू का जो बटन दिया हुआ है इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से यह ओपन होगा। नेक्स्ट पेज इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख लें कि 1000 ही आपको दिखाई देना चाहिए, ₹1000 ओनली। उसके बाद दोस्तों क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद न्यू पेमेंट वाला पोर्शन खुल जाएगा। यहाँ पर देखना है दोस्तों आपको पेमेंट करना है। पेमेंट बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। दोस्तों आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं पेमेंट करूँगा पेमेंट गेटवे। यहाँ पर पेमेंट गेटवे पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप कोई भी बैंक चुन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे जो कंटिन्यू का बटन दिया हुआ है, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने पर देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर 1000 का पेमेंट दिखाई देगा और पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक जैसे ही करेंगे इस प्रकार से दोस्तों ओपन हो जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, टर्म एंड कंडीशन, इनको देख सकते हैं।
उससे सबसे नीचे दोस्तों हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाएंगे और स्क्रॉल करने के बाद जो चेक बॉक्स बना हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे। ये चेक बॉक्स बना हुआ है, चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों सबमिट टू बैंक, सबमिट टू बैंक पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सबमिट टू बैंक पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको पेमेंट के लिए कहा जा रहा है कि पेमेंट आप किस प्रकार से करेंगे, नेट बैंकिंग या दोस्तों अदर पेमेंट मोड। यहाँ पर दोस्तों मैं सेलेक्ट करता हूँ अदर पेमेंट मोड, इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपको इस प्रकार से दिखाई देगा कि आपने जो चुना है वो सही है। आप देख सकते हैं दोस्तों 1000 पेमेंट है, उसके बाद 0021 माइनर हेड है, इस प्रकार से आपको देगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों आप प्लीज़ सेलेक्ट किस प्रकार से आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पर QR कोड से पेमेंट करूँगा क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से QR कोड से पेमेंट हो जाता है। QR कोड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कन्फर्म किया है। कन्फर्म करने के बाद इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने पेज आ जाएगा और यहाँ पर QR कोड आ चुका है। आप दोस्तों मोबाइल से ये QR कोड को स्कैन करें, स्कैन करने के बाद दोस्तों आप पेमेंट कर दें। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर पेमेंट होगा, यहाँ पर मैं पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट दोस्तों मैंने कर दिया है, मोबाइल से पेमेंट कर चुका है और दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा ये पेमेंट दोस्तों हो चुका है। कुछ वेट करते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आ चुका है कि योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस है। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों आपको इस प्रकार से यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो पेमेंट हो चुका है और रेफरेंस नंबर मिल चुका है आपको। ऑटोमेटिक दोस्तों इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों चालान आ चुका है, जो पेमेंट हमने किया है, दी चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। अब दोस्तों इसको आप डाउनलोड कर लें, जो चालान है उसको थोड़ा सा डाउनलोड कर लें। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये डाउनलोड का बटन दिया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो चुका है। दोस्तों मैं चालान भी आपको बता देता हूँ कि चालान किस प्रकार से रहेगा। ये देखिए दोस्तों चालान आपके सामने आ चुका है। ये पेन नंबर, नाम, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, इस प्रकार से दोस्तों आपको ये चालान हो। दोस्तों एक या दो दिन बाद आपको पुनः गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इनकम टैक्स से सर्च करना है। यहाँ पर दोस्तों इनकम टैक्स सर्च करेंगे, सर्च करने पर ये पेज खुल जाएगा और सबसे ऊपर में लिखा हुआ है होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमको थर्ड नंबर पर लिंक आधार पर क्लिक करना है। लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दोबारा से पेन नंबर और आधार नंबर फिल करना है। दोस्तों मैं यहाँ पर पेन नंबर और आधार नंबर फिल कर देते, पेन नंबर और आधार नंबर फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो वैलिडेट लिखा हुआ है वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको चालान नंबर, सीरियल नंबर इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही ये दिखाई दे, करीब दोस्तों एक या दो दिन बाद ये दिखाई देता है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस प्रकार से दिखाई दे तो आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपको पेन नंबर और दोस्तों आधार नंबर दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको जो आधार में नाम लिखा हुआ है दोस्तों, जो आधार में नाम दिया हुआ है वो दोस्तों नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। सेम स्पेलिंग होनी चाहिए दोस्तों, जैसे आधार में स्पेलिंग दी हुई है ऐसी स्पेलिंग दोस्तों आपको यहाँ पर फिल करनी है। मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको मोबाइल नंबर देना है, कोई भी मोबाइल नंबर जिस पर OTP आएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे जो लिखा हुआ है आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, इस पर क्लिक कर देना है और लिंक आधार पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने फिल कर दिया है और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है लिंक आधार, लिंक आधार पर दोस्तों हम क्लिक करेंगे। लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ था मोबाइल नंबर, उस पर एक OTP आएगा। मैं OTP देख लेता हूँ दोस्तों, OTP आ चुका है, मैं OTP यहाँ पर फिल कर, OTP फिल हो चुका है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है वैलिडेट, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, और दोस्तों यहां पर लिखा है कि 48 घंटे बाद आप दोबारा से इसको चेक करें कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हुआ है नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी के लिए धन्यवाद।